भाई साहब इतना बड़ा पतंग उड़ेगा ये रस्सी पे? उड़ेगा? तो गाइस हम खरीद के नहीं लाए, बट ये पतंग ना कट के लाइन के नीचे मतलब हमारी रो में गिरा, तो हम उठा के लेके आ गए। अभी कैसे उड़ाएंगे, कैसे उड़ेगा हमें नहीं पता, उड़ते ही काट देंगे लोग या फिर लंबी उड़ाएंगे ये तो देखना ही रहा। आज 14 जनवरी यानी कि उत्तरायण होने की वजह से लोग अपने अपने छतों पे छोटे छोटे स्पीकर से गाने बजा रहे और बस पतंगे उड़ा रहे। सुबह के 9:30 बज रहे, अभी धीमे धीमे लोग अपने अपनी छत पे आकर ऐसे पतंगे उड़ानी स्टार्ट कर देंगे। हवा भी काफ़ी तेज़ हो रखी है आज, तो आज लग रहा है कि काफ़ी मज़ा आएगा। इतनी सारी पतंगों को उड़ते देख मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी एक दो पतंग उड़ा दूँ, बट गाइज मेरे पास ना तो रस्सी है ना तो पतंग है। मैंने इस बार कुछ भी नहीं लाया, ना रस्सी मंजवाई ना पतंग लाया। वैसे अभी घर के बाहर जाने वाला हूँ तो पतंग की रस्सी लेके आऊँगा एंड पतंग भी लेके आऊँगा। थोड़ी बहुत पतंगें उड़ानी ज़रूरी है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। बस पतंग उड़ाते वक्त यही बात का ध्यान रखना है कि कोई पंछी ना टकराए अपनी रस्सी से। पंछी अगर टकराता है तो भाई पंख कट जाएंगे, गला कटेगा, पैर कटेंगे, मतलब पंछी इंजर्ड हो जाएगा ना। तो ये बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बर्ड अपनी पतंग से ना टकराए ना अपनी रस्सी में ऐसे आए। छत से नीचे उतरा, फिर नहाया एंड नहा कर रेडी होके अभी अपनी स्विफ्ट में निकल पड़ा हूँ मैं कहीं ना कहीं पे नहीं जा रहा गाइज। अभी आज मेरा सेकंड डोज है, वही रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है। लोग पतंगे उड़ा रहे ऐसे मस्ती में और मैं रेबीज का इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त मेरे साथ है श्याम। श्याम कितने बज रहे अभी? 11 10:49 ओके, मतलब 11 बजने वाले। अभी पेट्रोल भरवाएंगे सबसे पहले, स्विफ्ट के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। लास्ट पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, मेरी जितनी भी गाड़ियां होती है ना लास्ट पॉइंट जब तक ब्लिंक ना कर जाए तब तक मैं पेट्रोल फिलअप करवाने जाता नहीं हूँ पेट्रोल पंप पे। तो स्विफ्ट का अभी पेट्रोल फिलअप करवाएंगे और उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, बिकॉज वहीं पे ट्रीटमेंट चल रही है। फर्स्ट डोज वहीं पे लिया था, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड 4-5 अभी डोज और लेने, तो वहीं से लेंगे। 2-व्हीलर्स की लंबी लाइन है पेट्रोल पंप पे, बट 4-व्हीलर की लाइन नहीं है, ये अच्छी बात हुई। वैसे गाइस आज स्विफ्ट लेके नहीं निकलने वाला था, बट स्विफ्ट लेके निकलना पड़ रहा है बिकॉज रास्तों पे रस्सी बहुत है, गले कटने का डर लगा रहता है। कुछ कह नहीं सकते कब रस्सी आ जाए बाइक से जा रहे हो और कब रस्सी ऐसे गले में अटक जाए और आपका गला कट जाए, तो ये डर से फिर हम स्विफ्ट लेके निकले। और मम्मी और पापा ने भी कहा कि भाई तू गाड़ी लेके जा, ऐसे मत जा बाइक लेकर। यहाँ पे पेट्रोल का जो रेट है वो 95.03 है। ओके, एंड वॉल्यूम आया 21.05। ओके, फॉर द अमाउंट 2000 रुपीस। ओके, मतलब 21 लीटर जितना पेट्रोल आया 2000 रुपए में। बस अभी 100 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल आ जाएगी, देख लीजिए ये हॉस्पिटल का सर्विस रोड, मेन रोड राइट में और लेफ्ट में हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये है सर्विस रोड, ये रहा एंट्रेंस। अब पापा SSG में आ गया हूँ, कौन से वार्ड में जाना है अभी इंजेक्शन लेने? OPD 9। अच्छा, ठीक है चलो। अभी OPD 9 इस साइड है कहीं पे, तो पूछ के आए और पता चला। अभी अंदर जाता हूँ, इंजेक्शन लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको। चलिए फाइनली इंजेक्शन लग चुका है। ये वाली अपनी नहीं है, ये वाली अपनी है। बातें करते गाइस हमें लगा ये वाली है, बट ये वाली अपनी है। बोल रहे कि जलेबी बनने में 5-7 मिनट लगेगी, क्या करे, यहाँ से ले ले या फिर आगे से ले? मुझे तो यही की पसंद है। 7 मिनट तो अपन वेट कर सकते हैं। हाँ वही ले, टेस्ट करके देख। घी वाली है, टेस्टी है यार, ये अच्छा भी है, फेमस है, ले लेते हैं 5 मिनट की बात है ना। ये ले श्याम जलेबी, थैंक यू। और ये सेव, वहाँ पे जो जलेबी बनाने वाला है ना गाइस लड़कियों को पहले दे रहा था, मैं पहले आया उसके बाद लड़की आई, तो लड़की को दे दिया तो मैंने उसको लतार दिया। मैंने कहा भाई साहब लड़की देख के पहले दोगे उनको। पतंगे लेना बाकी था तो सोचा कि चलो घर लौट रहे तो घर जाने से पहले पतंगे लेते ही चले। बहुत ढेर सारा बड़ा मार्केट लगा है यहाँ पे, देख लो भोपू मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। काइट खरीदने आए थे बट एक कैप भी खरीद के जाते। ऐसे पहनिए भैया, ऐसे लग रहे, अच्छी लग रही है। शाम कोई दूसरा कलर चेक करेगा? नहीं नहीं दूसरा नहीं लेना भाई, आज व्हाइट पहना है तो ब्लैक कैप अच्छी लगेगी। ओके, है ना, काउबॉय वाली फीलिंग आ रही है पूरी ऐसे पहन के इसे। अरे यार एक भोपू ले लेते,
भोपू लेना है हा? वैसे हा? नहीं नहीं भोपू है घर पे है ये वाले। सो गाइस मुझे ये वाली पसंद आई है। ये कितने की है दीदी? ये सब ऐसी वाला पंजा है, ऐसी का पंजा है। 80 रुपए का 5 पतंग ये वाली। 70? चलो 80 के 5 बोल रहे थे आंटी दीदी, 80 के 5 बोल रही थी दीदी, बट बोल रही है कि आप ज़्यादा लोगे तो मैं ऐसे 17 यानी कि 70 का 5 दे दूँगी। वो वाली पतंग भी ले रहे और ये छोटी वाली भी ले रहे, ऐसे 80 रुपए की 20 पतंग बोली है, मतलब एक कौड़ी। 5 ज़्यादा दे दो 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा? 5 ज़्यादा दे दो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है दे दो। गुब्बारे गुब्बारे नज़र आ रहे, रस्सी भी ले ली, पतंगे भी ले ली और कैप भी ले लिया भैया। अच्छा चलो, जहाँ से कैप खरीदी थी ना वो भैया से बात कर रहा था, भैया बोले कि ये धागा अच्छा है, बोला चलो ठीक है। अरे गली के कुत्ते लोग उठ जाओ। भाई साहब उठेंगे नहीं। भाई साहब इतना बड़ा पतंग उड़ेगा ये रस्सी पे? उड़ेगा? तो गाइस हम खरीद के नहीं लाए, बट ये पतंग ना कट के लाइन के नीचे मतलब हमारी रो में गिरा, तो हम उठा के लेके आ गए। अभी कैसे उड़ाएंगे, कैसे उड़ेगा हमें नहीं पता, उड़ते ही काट देंगे लोग या फिर लंबी उड़ाएंगे ये तो देखना ही रहा। इतनी बड़ी पतंग है ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो जो अपने पास चरखे है ना तो दोनों चरखे मिला के उड़ाते, वरना एक धागे पे तो वो कट जाएगी, कट जाएगी, धागा टूट जाएगा, धागा टूट जाएगा है ना। काफी बड़ी पतंग है तो हैवी पड़ेगी, ऐसे हवा भी काफी तेज उड़ रही है, देख लो कुछ देर में अभी अंधेरा हो जाएगा। पूरे दिन ऐसे सबने आसपास जितने भी लोग देख रहे हो ना सभी ने पतंगे उड़ाई है, अभी शाम के 6 बजे आखिरी आखिरी पतंगे लोग उड़ाएंगे अपनी अपनी। बड़ा मजा आ रहा है, पूरे दिन में ऐसे मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे पापा है, मैं हूँ, फिर श्याम है, यहाँ पे है सुभाषीष, वहाँ पे है कोयल दीदी, फिर यहाँ पे है मेरी मम्मी। Oh, 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 oh,